हेलो फ्रेंड्स, आज आप ये देखकर सोच रहे होंगे कि आज क्या बनने वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मार्केट में नहीं मिलता वो आज हम बनाएंगे घर पर, काले तिल के बर्फी और काले तिल के लड्डू। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं काले तिल, गुड़, और मैंने साथ में लिए सनफ्लावर सीड्स और इलायची, और उसके साथ मैंने फटाफट से रख ली है कढ़ाई। इतनी देर में कढ़ाई गर्म होती है तो मैं आपको इतनी देर में बता देती हूँ कि इसमें ना बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है। इसकी इतनी क्वालिटी अगर मैं गिनवाने बैठूँगी ना तो ये पूरी डिश बन के फिनिश भी हो जाएगी और हम इसकी क्वालिटी गिनते रह जाएंगे। तो ये कढ़ाई गर्म हो गई और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं काले तिल। काले तिल जो होते हैं उनको साफ़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो उसको आप इस छलनी से छान लीजिए और प्लेट में, और उसके बाद थोड़ी सी देर छोड़ दीजिए। और उसके बाद हमें इसको करना है कढ़ाई के अंदर डालकर, इसके अंदर भी हमें चिकनाई नहीं डालनी, कोई बटर नहीं डालना, कोई देसी घी नहीं डालना, सिर्फ कढ़ाई के अंदर मैंने इसको ऐड करा है। और इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करने के लिए, जो थोड़ी सी सीलन आ जाती है विंटर में, वो निकालनी है। और अभी हमें कुछ नहीं करना, और जितने तिल होंगे सेम क्वांटिटी में गुड़ रहेगा। चीनी का मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि गुड़ भी गर्म होता है, उसमें कैल्शियम आयरन होता है। जो हम ये डिश बना रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी है। मैंने इस रेसिपी में दो बार गुड़ बोल दिया, बट आपको गुड़ नहीं दिखा होगा। गुड़ से मीनिंग है जो गुड़ का पाउडर आता है ना, शक्कर जो आपने देखा है उसको शक्कर बोलते हैं। मार्केट में जाएंगे तो वो इजीली मिल जाएगा आपको। गुड़ में क्या रहता है, गुड़ हमें लाना पड़ेगा, उसे चॉप करना पड़ेगा, मीनिंग एक्स्ट्रा टाइम। तो थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हुए मैं उसका यूज़ नहीं करती, मैं पाउडर ले आती हूँ। और विंटर में हम चीनी यूज़ करते ही नहीं हैं, हर चीज़ में हमारा 100% गुड़ का ही यूज़ होता है, क्योंकि समर में गर्मी में हम गुड़ नहीं खा सकते, तब हम चीनी खा लेते हैं क्योंकि शिकंजी में गुड़ नहीं डल सकता। तो इसीलिए जब हमें यूज़ करने का मौका मिल रहा है तो गुड़ को इंजॉय कीजिए, चीनी को अवॉइड कीजिए, विंटर ट्राई कीजिए। और काले तिल को हम मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसका मॉइस्चर निकलने में, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा ले ली है क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर आप बच्चों को डेली खिलाएं तो उनके जो दांत हैं वो भी मजबूत होंगे, और आप खाएंगे तो आपके भी मजबूत होंगे। इन शॉर्ट कि हमें डेली काले तिल खाने चाहिए, हम गर्मी में नहीं खा सकते, इसलिए सर्दियों में तो एटलीस्ट खा ही सकते हैं। तो उसके लिए, खिलाने के लिए और खाने के लिए, उससे पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम कर रहे हैं। और जो काला तिल है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत अच्छा करता है, मीनिंग जैसे कि विंटर में क्या होता है, मोस्टली हम बैठे रहते हैं और गोभी के परांठे, आलू के परांठे विद बटर, तो इसलिए थोड़ा रिस्की हो जाता है जो डाइट होती है। बट विंटर में हम थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो खा रहे हैं तो उसके साथ हम गुड़ ले लें या तिल का एक लड्डू ले लें, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये काले तिल देखिए ऑलमोस्ट डन है, तो उसके बाद हम इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और जिसको इससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स पता है, उसके तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं इसका यूज़ और भी डिफरेंट डिशेज़ में करूं, डिज़र्ट में करूं, या किसी भी फॉर्म में। अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ हम सनफ्लावर सीड्स ले लेते हैं। सनफ्लावर सीड्स ऑप्शनल हैं, अगर आप लेना चाहें तो लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। मैंने इसलिए ले ली क्योंकि काले तिल के लड्डू मुझे लगा कि बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, तो थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा आ जाएगा। उसके साथ मैं सफ़ेद तिल ले सकती थी, लेकिन काले और सफ़ेद तिल का मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए। और सेम इसको भी हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, इसका भी हमें मॉइस्चर निकालना है। और उसके बाद ये थोड़ी सी मैंने लिया क्वांटिटी में, अगर आप लेना चाहें तो सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं, बट मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैंने क्यों लिए हैं। मेन जो लड्डू बना रहे हैं हम, वो काले तिल के ही लड्डू और बर्फ़ी बनाएंगे। और उसी के साथ ये सनफ्लावर सीड्स हो गए, आप देख सकते हैं इन पे तो आपको टेक्सचर लग रहा होगा कि हो गए, वो भी हमने निकाल लिए। और उसके बाद हमने ले ली है उसी कढ़ाई को दोबारा, क्योंकि अभी हमने उसमें कुछ ऐसा घी या बटर का यूज़ नहीं करा था। अंदर हम ऐड कर लेंगे देसी घी। देसी घी की जगह आप बटर यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बट मैंने देसी घी लिया है। और इसको कर लें अच्छे से मेल्ट। और काले तिल को इजीली नहीं खाता, मैं भी पर्सनली नहीं खा सकती,
अगर कोई मुझे बोले कच्चा खा लो तो मैं नहीं खा सकती। और ये मेल्ट हो गया तो हमने ले लिया थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मार्केट से नहीं लिया, जो ग्रीन इलायची होती है, हरी इलायची, उसके मैंने सीड्स निकाल लिए, उन्हें थोड़ा सा कूट लिया। जैसे किसी पे गुस्सा आ रहा हो तो आप इलायची के बीज निकाल कर उसे कूट लो तो वो बहुत अच्छा पाउडर बन जाता है, फाइन, वही मैंने करा है। और इसी के साथ मैं डाल लेती हूँ शक्कर गुड़ का पाउडर। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मार्केट से गुड़ लीजिए, उसे चॉप कीजिए, सेम क्वांटिटी रहेगी क्योंकि इसका टेस्ट भी सेम ही होता है, तो आप उसकी जगह गुड़ यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें और उसमें ये डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि गुड़ थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लेता है, ये फटाफट से मेल्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, ये नीचे जल ना जाए, अगर जल जाएगा तो स्मेल आ जाएगी। और स्पेशली बन रहा है बच्चों के लिए, और फिर जो आपकी मेहनत वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और ये फिर क्या होगा, वेस्ट ही होगा क्योंकि बच्चों को एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। तो ये मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो एनीवेज हम ऐड कर लेते हैं। ये मैंने घी कर लिया इसके अंदर थोड़ा सा ऐड, और इसको कर लेते हैं अब अच्छे से मिक्स। अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर मैं चाहती इसको स्किप कर सकती थी, बट मैंने आपके साथ शेयर करा क्योंकि मुझे लगता है कि क्वांटिटी कम ज़्यादा अगर हो जाती है तो आप उसमें ऐड या स्किप दोनों कर सकते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ गया, जो हमें चाहिए था, जो पहले नहीं आ रहा था। तो अगर आपको लगता है कि वो थिक है तो उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लीजिए, और ये बिल्कुल जो हमें चाहिए वो बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं काले तिल, जो हमने अच्छे से भून लिए थे, वो हम इसके अंदर कर लेते हैं ऐड। और इसको अब हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। मैंने क्वांटिटी थोड़ी एक्स्ट्रा कर ली, जो मैंने दिखाई थी उससे ज़्यादा, तो मैंने इसको दो बार ऐड करें हैं। मैंने दो बाउल का बनाया है क्योंकि रेसिपी बनाते बनाते मुझे लगा जब मैं बना रही हूँ तो थोड़े एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो इनको करना है अच्छे से आराम से मिक्स। और अगर आप बनाना चाहें तो आप भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लीजिए। जो डिज़र्ट खाना पसंद करते हैं वो विंटर में इसको एंजॉय कीजिए, ये हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारे अच्छे से हो चुके हैं मिक्स, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सनफ्लावर सीड्स, जो हमने भून के रखे हुए थे। ये लीजिए, ये भी ऐड कर लिया। और उसके बाद अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि ये सेम क्वांटिटी में नहीं है, तो ये कहीं कहीं पर सिर्फ टेक्सचर देंगे अपना ब्लैक के साथ वाइट का। वैसे तो ये भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो ये कहना कि ये सिर्फ टेक्सचर देंगे वो मेरी मिस्टेक है, ये बहुत हेल्दी है इसके। लेकिन हम एक अलग से डिश बनाएंगे ओनली सनफ्लावर सीड्स की, अभी ये इसमें सिर्फ टेक्सचर का काम नहीं करेंगे। इसमें भी कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है, अगर मैं इसकी भी क्वालिटी गिनाऊंगी तो लड्डू बन के फिनिश हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फटाफट से इनके हम बना लेते हैं बर्फ़ी। पहले बर्फ़ी बनाते हैं फिर बनाएंगे हम लड्डू। तो अभी ये बहुत ही गर्म गर्म है, इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट से एक परात के अंदर, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है, इसलिए मैं परात में बनाऊंगी। और अगर आपने क्वांटिटी कम ली है तो आप प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही गर्म है इसलिए हाथ से तो नहीं पॉसिबल इसको जमाना, तो इसीलिए मैं स्पैचुला का यूज़ करते हुए इसके ऊपर से पहले मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना, इतनी मेहनत करी है हमने और ये इस टाइम विंटर के लिए तो सबसे बेस्ट है। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, पर ये इतने गर्म हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बन पाएंगे अभी, इसलिए बेस्ट रहेगा कि हम इसको स्पैचुला की हेल्प से ही जमा दें, या आप एक कटोरी लेकर उस पर हल्का सा घी लगाकर उससे भी आप इसको जमा सकते हैं, बट मैं स्पैचुला से ही कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट बनाए, तो इसमें हम इसको ऐसे ही जमा लेंगे। और जैसे ये 10-15-20 मिनट में जम जाएगी उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, और इसको एक गिलास मिल्क के साथ एंजॉय कीजिए, बेस्ट है, इजी है।
और जिसको डिफ़िकल्ट लग रही है वो लड्डू बना लीजिए, वो थोड़े इजी रहते हैं। आप देख सकते हैं जम चुकी है, तो फटाफट से हम इसको कट कर लेते हैं क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो गई है। और उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखा देती हूँ कि बर्फ़ी कैसी बनी है। और आप इसको आराम से काटिएगा, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो आप नाइफ़ को गर्म पानी में डिप करके उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद आप यूज़ करिएगा, तो वो इजीली कट हो जाएगी। ये हो गई कट। अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो ये देखिए मैंने 3 बर्फ़ी सेट कर दी, ये चौथी। और ऐसी हमें सारी बर्फियाँ बना के रख लेनी है, स्टोर कर लेनी है एयर टाइट कंटेनर में। और उसके बाद आप इसे आराम से 10-15 दिन या 1 महीने के लिए, 30 डेज़ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़राब होगा। हमने देसी घी का यूज़ करा है, गुड़ का यूज़ करा है, पानी का हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसका टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस है और ये तो टेम्पटिंग लग ही रही है। बट इसी बीच में मेरे बच्चे की हो गई एंट्री डांस क्लास से आने के बाद, तो उनका था कि मम्मा जी ये क्या जला दिया, जो मुझे रीज़न लग रहा था इसलिए मैंने सनफ्लावर सीड्स यूज़ करे थे। तो एनीवेज बैकअप है हमारे पास। हमने ले ली है दूसरी फैंसी ट्रे जो गिफ्ट पैक में यूज़ होती हैं वो। और अब हम सर्व करेंगे लड्डू डिफरेंट स्टाइल में, अट्रैक्टिव स्टाइल में। तो ये मैंने ले लिया है, और ये जो कप होते हैं ये लड्डू में जो यूज़ करते हैं हलवाई, वो मेरे पास है। तो अब हम जो लड्डू बना लिए हैं उनको हम इसके अंदर सेट कर बहुत अच्छा फैंसी लुक देंगे, जिससे कि खाने से पहले उनको देखने में भी बहुत अच्छा लगे। उसके लिए मैंने ले लिया है चांदी का बर्क जो आपको मिल जाएगा मार्केट में, और ये जो ब्लैक लड्डू हैं वो उनको अच्छे से कवर कर देगा, बहुत अच्छा टेक्सचर दे देगा। अब आप देखिए ये क्या करता है, जो हमारी इतनी मेहनत के बाद हम नहीं कर पाए वो ये चांदी का बर्क कवर कर देगा। बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा और वो इजीली खा लेंगे, वो अब ये फिर ये आपको नहीं बोलेंगे ये जल गया क्या। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है और ये बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही ईजी है, हेल्दी है, इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी बनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ एक और लड्डू हम बना के इसके अंदर कर लेंगे सेट। ये देखिए हमारा एक और लड्डू हो गया है बिल्कुल रेडी, और इसी तरह से हम सब लड्डुओं को कर लेंगे इससे कवर और रख देंगे, और उसके बाद ये कब फिनिश हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको ये थोड़ी सी ट्रिक ट्राई करनी पड़ेगी काले तिल के लड्डू पे। अगर रेसिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय काले तिल और गुड़ के लड्डू। इन्वेंटर एंजॉय।